पूर्णिया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण से खलबली मची हुई है। डीएम राहुल कुमार ने अस्पताल का दौरा किया है, जिसके बाद से अस्पताल की सूरत बदली हुई नजर आ रही है। सीमांचल के सबसे बड़े भीड़ भाड़ वाले इस अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। डीएम ने अपने दौरे के दौरान सभी वार्डों का निरीक्षण किया, अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। डीएम के दौरे से अस्पताल में हड़कंप मचा रहा। सदर अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिसे डीएम ने स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनवरी तक स्टाफ की काफ़ी संख्या बढ़ाई जाएगी। अस्पताल में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का सिलसिला जारी है। अपने दौरे के बाद डीएम ने क्या कहा, सुनिए। जो डॉक्टर्स हैं वो इसके लिए कॉम्पिटेंट होते हैं, किस केस को यहाँ पे डील करना है, किस केस को और हायर सेंटर पे डील करना है, वो डॉक्टर ही उसके लिए कॉम्पिटेंट है और वही उसमें बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। इसको हम लोग जनरल एक फ्रेम में नहीं देख सकते, केस को रेफर कर दिया जा रहा है या यहाँ पे इलाज किया जा रहा है, वो केस टू केस बेसिस पर डिसाइड होगा। गोल्डन कार्ड धारी में भी जो इलाज की सुविधा बेहतर यहाँ पे उपलब्ध है, उसी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। अगर उसको और बेहतर इलाज के लिए अगर मेडिकल कॉलेज में भेजने की आवश्यकता हो या पटना में भेजने की आवश्यकता हो, तो उसकी बेहतरी के लिए वहाँ भेजा जाना चाहिए। जूली देवी सुप्रास रिसीव, जूली देवी अंदर आइए।